नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। मोदी के बेहद खास अरविंद शर्मा, बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कभी उन्हें गृह मंत्री का पद मिल सकता है, यूपी के गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर उनको और कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। आज आखिरकार उनको भाजपा उपाध्यक्ष का पद मिल चुका है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने जो ट्वीट करा उसमें योगी की और एके शर्मा की जो काट दिखाई दी है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में अरविंद शर्मा, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है या और तमाम पद मिल सकते हैं, पर आज उनको आखिरकार पद मिल गया है और वो भी भाजपा के उपाध्यक्ष बनने का उनको पद मिला है। आप यहां पर देख सकते हैं एके शर्मा का ऑफिशियल ट्विटर है जिसपे उन्होंने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष बनने के लिए राष्ट्रीय राज्य नेतृत्व का कोटिक्ष धन्यवाद, यानी कि आज उनको पद भी मिल गया है। पर सबसे बड़ा सवाल अगर जो मैं आपको दिखाऊं तो कहां पर खड़ा हो गया। बहुत सारी चीजें थी, अटकलें तो चली रही थी कि तमाम चीजें उनको पद मिल सकते हैं, पर आज जब उनको ये पद मिल गया फिर उन्होंने कैसे दिखाया, देखिए विरोध में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर उन्होंने सभी जितने भी एट द रेट हैं वो यहां पर लिखे हैं, ये देख सकते हैं आप। बीजेपी का है, उसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश का है, और ये देखिए आरएसएस का है, नरेंद्र मोदी का है। पर ये तो सही है जो उन्होंने दे दिए, जितने भी बड़े नेता हैं सभी के नाम दे दिए। ये देखिए जगत प्रकाश नड्डा जी भी हैं, और उसके बाद ये देखिए स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है, जब इतने सारे नाम आ गए पर योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे लास्ट में क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बन गया है कि आखिरकार जो बातें थी कि इन दोनों के बीच में थोड़ी खटपट है या बात ऐसी हो सकती है जो इनके मन मुटाव को दिखा सकती है, और ऐसा ही हुआ है। आज एके शर्मा ने जब ट्वीट करा, जब वो बन गए, फिर उसके बाद उन्होंने यहां पर अपनी ये चीज दिखा दी कि आखिरकार वो योगी आदित्यनाथ से कितना ज्यादा चिढ़ते हैं या उनके बीच की जो दूरियां हैं वो कितनी है, ये उन्होंने दिखा दिया जब उन्होंने ट्वीट करा। उसके बाद जबकि सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री होने के तौर पर भी उनको सबसे लास्ट में लाया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अरविंद शर्मा जो हैं वो आईएएस के पद पर थे और फिर उसके बाद वो यहां पर आए थे, बीजेपी में आए थे, मतलब आईएएस के पद को छोड़कर और बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया था। और अगर जो मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी के सबसे खास माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा रहे हैं, और आज उनको आखिरकार पद मिल गया। और ये पद जो मिला है उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूं कि 1988 बैच के हैं, यानी के जो एके शर्मा है वो 1988 के गुजरात कैडर के आईएएस थे और वो हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहते थे। 2001 में भी वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, और जब नरेंद्र मोदी जैसे ही उनका नाम लॉन्च हुआ था कि यानी कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम चुना गया था, उसके साथ नरेंद्र मोदी ने अचानक उनको फोन किया था और कहा था कि कल को आपको मेरे साथ दिल्ली जाना है। यानी कि उस इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा उनके खास थे। पर सवाल इस समय अब ये बन चुका है कि आखिरकार जैसे ही एके शर्मा को भाजपा का उपाध्यक्ष बनाने की बात की गई है, गृहमंत्री, यूपी के गृहमंत्री बनाने की भी बात चल रही थी और तमाम चीजों पे बात चल रही थी, पर आज जैसे ही उनको पद मिला उसके बाद उन्होंने यहां पर साफ तौर पर दिखा दिया कि योगी आदित्यनाथ जी की और उनकी दूरियां कितनी ज्यादा हैं। योगी आदित्यनाथ को सबसे लास्ट में उन्होंने वो दिया है, और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार ये दूरियां जो हैं ये ऐसे ही सामने आएंगी या फिर और कोई ऐसी चीज हो सकती है या फिर कोई ऐसी बात सामने निकल कर आ सकती है जिससे इन दोनों की दूरियां थोड़ी कम हो सके। पर यहां पर तो इस ट्वीट से ये साफ हो चुका है कि नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जी की और जो एके शर्मा जी हैं उनकी कितनी ज्यादा दूरियां यहां पर बनी हुई दिखाई दे रही हैं।